देश के अंदर कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं। उन्हीं में से एक है द क्रेजी टेल्स, जिसके फाउंडर एंड चीफ एडिटर हैं मनीष मिश्रा और फाउंडर हैं अमृता कर। द क्रेजी टेल्स ऑर्गेनाइजेशन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करती है। 8 मार्च 2021 को द क्रेजी टेल्स कंटेंट मीडिया कंपनी ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में महिलाओं के सम्मान में एक अवार्ड सेरेमनी रखी थी, जिसका नाम था पावरफुल वुमेन अवार्ड। इस इवेंट में महिलाओं को डिफरेंट क्षेत्र से बुलाया गया था, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, पॉलिटिशियन, हाउसवाइफ, टीचर, लॉयर, सोशल एक्टिविस्ट, डाइटिशियन, फैशन ब्लॉगर, राइटर्स या फिर कोई और बिजनेस वुमेन। यहाँ पर सभी फेरिस्त की महिलाओं को बुलाया गया था। जैसे सोशल एक्टिविस्ट रिहाना अली को महिलाओं के हित में काम करने के लिए अवार्ड दिया गया था। नीरू दावरा को बेस्ट डाइटिशियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। आरजे दिव्या को भी बेस्ट आरजे महिला का अवार्ड दिया गया। इसके अलावा अमनप्रीत कौर, देविका मेहता, पारुल सिद्दीकी, सारा खान, डॉक्टर आमना, आकृति सभ्याल, ऑथर सारा रावत, सोशल एक्टिविस्ट गुंजन धमसाना और भी बहुत सी महिलाओं को उनके काम और निष्ठा के लिए अवार्ड से सम्मानित किया गया था। द क्रेजी टेल्स महिलाओं के आइडियाज़ को वो प्लेटफॉर्म देता है जहां वो आकर काम कर सकती हैं, अपने काम की पहचान बना सकती हैं और अपने काम और लगन के साथ आगे बढ़ सकती हैं। इस काम के लिए द क्रेजी टेल्स उनकी सराहना भी करता है। इस प्रोग्राम में मेहमान के तौर पर जॉइंट कमिश्नर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अमनप्रीत कौर को बुलाया गया। इसके अलावा ओएसडी, डीएसआई, डीसी विजय कुमार, गुंजन शर्मा, मेट्रो डीसीपी जितेंद्र मणि त्रिपाठी, 2020 में मिस दिल्ली रही आकृति सभ्याल को भी बुलाया गया था। इसके अलावा द क्रेजी टेल्स मीडिया कंटेंट कंपनी ने अपने सभी मीडिया पार्टनर को भी अवार्ड दिया था, जिसमें मिलर टाइम्स को महिलाओं के हुकूक के लिए आवाज़ उठाने और उनके अधिकारों के लिए अपने चैनल पर खबर दिखाने के लिए अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जिसको रिसीव किया मिलर टाइम्स के हिंदी एडिटर असरार अहमद और सब एडिटर रिहाना अली ने। शबीना सैयद, ब्यूरो रिपोर्ट, मिलर टाइम्स।